हेलो बेटा, आज का जो अपना टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है, कहाँ पर होती है और क्यों होती है, ठीक है ना। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन को, ठीक है। सो रेप्लिकेशन डीएनए, ठीक है। ये आपको पता है कि जब सेल डिवाइड करेगी तो न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, और जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो जेनेटिक मटेरियल जो उस न्यूक्लियस के अंदर है, क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए, वो भी डिवाइड होगा। और जब वो डिवाइड होता है तो उसी को एक्चुअली क्या है कि एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, जब डॉटर दो सेल्स बनेंगी माइटोसिस में तो दोनों को इक्वल जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारी कोई सेल अगर माइटोसिस करती है, ह्यूमन बींग में 46 क्रोमोसोम्स है, तो ऐसा तो है नहीं कि डॉटर सेल्स में वो कम चले जाएंगे, ठीक है। अगर कम क्रोमोसोम है इसका मतलब कम जीन्स में, जीन कम गए तो सारी प्रॉब्लम, क्योंकि सारा का सारा आपकी बॉडी में कुछ भी कंट्रोल होता है वो सब जीन कर रहे हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए वही कर रहा है और कोई नहीं, ठीक है ना। कुछ एक बाहर के फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, उनका बहुत कम से होता है। तो अब ये होता क्यों है डीएनए रेप्लिकेशन, आप ये समझिए, एट द टाइम, पहले तो मैं आपको टाइम बता दूंगा, बहुत एट द टाइम ऑफ माइटोसिस जब डिवीजन होगी, ठीक है ना। अच्छा, सेल साइकिल होती है उसमें फेज है एस फेज, इसमें होता है डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन इसमें होता है। डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअल होता क्या है बेटे, जैसे ये क्रोमोसोम होते हैं तो ये क्रोमोसोम जो नंबर है वो सेम रहता है, इसमें ये क्रोमोसोम यूं हो जाएगा ऐसे, जेनेटिक मटेरियल डबल होगा, डीएनए डबल होगा, क्रोमोसोम एक ही है क्योंकि सेंट्रोमियर एक ही है, यहाँ पे सेंट्रोमियर जिससे दोनों अटैच होती है, ठीक है ना, क्रोमेटिड। सो जेनेटिक मटेरियल डबल होता है, क्यों होता है, क्योंकि दो डॉटर सेल बनेंगी दोनों को इक्वल जाना चाहिए। अब ये होता कैसे है, ये डीएनए रेप्लिकेशन से होता है, जेनेटिक मटेरियल डबल और क्रोमोसोम नंबर रहते हैं सेम। तो ये तो था कि क्यों और कब होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कैसे होता है, ठीक है, इसकी डीएनए रेप्लिकेशन की पूरी प्रोसेस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो पहली बात, एक चीज याद रखिएगा, डीएनए इज द ओनली मॉलिक्यूल दैट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। ये पॉइंट ध्यान से समझिए। देखो बेटा, ऐसा नहीं है जैसे कि जब माइटोसिस होती है उससे पहले क्या होता है, जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी तो डबल होते हैं, ठीक है, ताकि डॉटर सेल को इक्वल मिले, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर एक सेल में मान लो 100 माइटोकॉन्ड्रियास हैं तो वो पहले डबल होकर 200 हो जाएंगी ताकि दोनों डॉटर सेल को बराबर मिले। माइटोकॉन्ड्रिया भी तो डिवाइड कर रही है, तो हम यू कह सकते हैं कि ओनली मॉलिक्यूल दैट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल भी तो डिवाइड कर रहा है, तो उसमें थोड़ा फर्क है बेटा, आप उसको इससे रिलेट मत करना। एक तो मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और वो है एक ऑर्गेनल, और माइटोकॉन्ड्रिया जब डिवाइड करती है वो बाइनरी फिशन से करती है जैसे बैक्टीरिया करता है, और उस केस में भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका जो खुद का डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए को हम लोग लिखेंगे एमडीडीएनए, ठीक है, ये जो खुद का माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए है ये उसमें सारी प्रोसेस कंट्रोल करता है, हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया का जो फिशन होता है उसमें, ठीक है ना। सो तो ओनली मॉलिक्यूल, इस पॉइंट को समझिए, ओनली मॉलिक्यूल दैट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, ठीक है, बाकी कोई मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को रेप्लिकेट नहीं कर सकते, सिर्फ डीएनए कर सकता है। इवन आरएनए भी डीएनए पे डिपेंडेंट है, डीएनए बनाता है आरएनए को, और फिर उस आरएनए से आगे जाके बनती है प्रोटीन, तो प्रोटीन भी इसी पे डिपेंडेंट है। तो द ओनली मॉलिक्यूल दैट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ इज डीएनए, that is why we sometimes call it the living molecule, the living molecule, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये कैसे replicate करता है और क्या इसका mechanism होता है, ठीक है बेटा। So
यहाँ पर देखो, इसका जो नेचर है, इसका सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर इसकी डिवीजन का, डिवीजन में बोलेंगे रेप्लिकेशन का, सेमी कंजर्वेटिव नेचर, ठीक है। इसका क्या मतलब है सेमी कंजर्वेटिव का? इसका मतलब ये बेटा, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ, आप देखिए ये डीएनए है, ठीक है, एक कॉमन एक्सिस के अराउंड ये ऐसे कॉइल होता है। इसमें जब ये बनेगा तो जो नए स्ट्रैंड बनेंगे उसमें एक स्ट्रैंड मदर स्ट्रैंड होगा पुराने वाले डीएनए का, ठीक है। जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो इसके अराउंड बनेगा। एक डीएनए मॉलिक्यूल यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है, ये दो डीएनए मॉलिक्यूल बन रहे हैं इससे, ठीक है बेटा। लेकिन इसमें फर्क क्या है कि ये जो एक डीएनए है जो पेरेंट डीएनए था उसका स्ट्रैंड है ये वाला भी, सो दिस इज मदर स्ट्रैंड, मदर स्ट्रैंड। और ये जो बन रहा है ये कहलाएगा डॉटर स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये है इसका सेमी कंजर्वेटिव नेचर। एक एक्सपेरिमेंट किया था मैथलसन एंड स्टाल, मैथलसन एंड स्टाल का एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें इन्होंने प्रूव किया था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव है, ठीक है। यानी कि जो नया मॉलिक्यूल बनेगा उसमें एक स्ट्रैंड पुराने का ही रहेगा, ठीक है, उसको मदर स्ट्रैंड बोल रहे हैं, उसके अराउंड दूसरा स्ट्रैंड बनेगा। एक तो ये चीज है इसमें, ठीक है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि ये सारी की सारी जो प्रोसेस है ये एंजाइम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एंजाइम है इसमें कई, जैसे डीएनए पॉलीमरेज है और लाइगेज है, प्राइमेज है, ठीक है। सो ये कई सारे एंजाइम है, ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लीगेज, अनवांटेज, ये सारा मैं बताने वाला हूँ। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो इसमें काम आते हैं, ठीक है बेटा। देखिए द एंजाइम, एंजाइम्स इन्वॉल्व जो है इसमें वो हम बात करते हैं पहले, द एंजाइम इन्वॉल्व किसमें, डीएनए रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले है टोपोआइसोमरेज। इसका फंक्शन क्या है? टोपोआइसोमरेज जो है, आप इमेजिन कीजिए स्प्रिंग को, ऐसे एक स्प्रिंग है, एक मेटल स्प्रिंग है, अगर मैं इसको अनकॉइल करूंगा तो ये वापस कॉइल हो जाता है, इसकी टेंडेंसी होती है वापस कॉइल होने की। सेम जो होता है, सेम हमारे डीएनए के साथ होता है, डीएनए भी एक कॉइल स्ट्रक्चर है, जब उसको अनकॉइल करेंगे तो उसमें भी एक टेंडेंसी होती है, तो उसकी जो टेंशन होती है ना, उसके अंदर टेंशन होती है, अगर उसको हमने अनकॉइल कर दिया तो वापस कॉइल होने की उसकी टेंडेंसी होगी, जिसकी वजह से उसके अंदर टेंशन होगी, उसको रिलीज करता है टोपोआइसोमरेज, ठीक है, ताकि जब इसको अनवाइंड करके और ये रेप्लिकेशन हो तो ये वापस से कॉइल ना हो जाए, तो उसको टेंशन को रिलीज करता है टोपोआइसोमरेज, ठीक है। ये इसको अनवाइंड करेगा और इसकी टेंशन को रिमूव कर देगा। टोपोआइसोमरेज की फैमिली का एक और एंजाइम है गाइडेज, ये एक्चुअली टोपोआइसोमरेज की फैमिली है, उसी का पार्ट है गाइडेज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एक्चुअल में जो कोयल के डीएनए है उसको अनकोयल करके और उसकी टेंशन रिलीज कर देगा, ताकि वो फिर से क्या ना हो जाए, कोयल ना हो जाए, ठीक है। सो दैट वाज टोपोआइसोमरेज। सेकंड हम जो बात करेंगे इसके बाद, सेकंड है एंजाइम हीलिकेज, ठीक है।
एक्चुअली टॉप वाइज सुपरवाइज या गाइडेंस जो होता है इसको आप, क्योंकि अनवाइंड करता है तो इसको आप अनवाइंड डेज भी बोल सकते हो, बिकॉज इट अनवाइंड द डीएनए, ठीक है ना। तो आप बात करेंगे हेलिकेज, हेलिकेज क्या करेगा भाई, हेलिकेज एक्चुअल में दो स्ट्रैंड जो होते हैं उनको अलग करता है। उससे पहले हम लोग एक और चीज पढ़ लेते हैं, दैट इज डीएनए डीनेचुरेशन। व्हाट इज डीएनए डीनेचुरेशन, हम लोग इसको पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। सो डीएनए डीनेचुरेशन क्या है बेटा, डीएनए डीनेचुरेशन का मतलब है आपको पता है, द टू स्ट्रैंड जो दो स्ट्रैंड है दे आर जॉइंड बाय, कौन ज्वाइन कर रहा है उनको, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H2 बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, किस किस के बीच में जाइए याद करो, प्यूरिन और पिरिमिडिन के बीच में, एडेनिन डबल बॉन्ड विद थायमिन, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड विद गुआनिन, याद है आपको। इसका मतलब जो ये दो स्ट्रैंड थे डीएनए के, मैं आपको यहाँ पे अब डीएनए बना के दिखा रहा हूँ, उसको मैंने अनकॉइल कर रखा है, ठीक है, वो ऐसे अब कॉइल्ड नहीं है, उसको अनकॉइल करके स्ट्रेट कर दिया है, ये लीजिए स्ट्रेटन्ड अप, ठीक है। और इनके बीच में हम लोग एक बॉन्ड बना देते हैं, देखिए आप जरा हाइड्रोजन बॉन्ड। सो अगर यहाँ पे एडेनिन है, थायमिन है, थायमिन है, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, इसके पॉजिटिव टी होगा, ए होगा, ए होगा, सी जी जी, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल, 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 ठीक है। अगर मैंने इनके बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर दिया तो ये हाइड्रोजन ब्रेक तो होते ही बॉन्ड ब्रेक होते ही ये खुल जाएगा, दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, द टू स्ट्रैंड विल बी सेपरेटेड। ये जब सेपरेशन होता है ना तो ये या तो एंजाइम कर सकता है या फिर अगर हम डीएनए को थोड़ा हीट करें, ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस टू 90 एंड सम बुक सेड अप टू 94 डिग्री सेल्सियस, इतना जब हम हीट करते हैं डीएनए को तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं या इसमें एंजाइम अलग कर सकता है। तो आप सुनिए, दो स्ट्रैंड सेपरेट होना ये कहलाता है डीएनए डीनेचुरेशन, दिस इज डीएनए डीनेचुरेशन, ये याद है, ठीक है बेटा। सो हेलिकेज दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करता है, कैसे, बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द एडेनिन एंड थायमिन एंड साइटोसिन एंड ग्वानिन, थ्री बॉन्ड टू बॉन्ड, इनको ब्रेक कर देगा दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ हेलिकेज। अब नेक्स्ट बेटा, अब हम बात करेंगे लाइगेज की। दो डीएनए के जो टुकड़े होते हैं ना, फ्रैगमेंट, डीएनए फ्रैगमेंट, अब वो फ्रैगमेंट कहाँ पे आएंगे, एक बात याद रखना, जो भी मैं आपको ये बता रहा हूँ इसको पहले नोट आउट कर लेना, ताकि जब हम ये पूरी प्रोसेस करेंगे तब आपको पता हो कि कौन से एंजाइम कैसे फंक्शन कर रहा है। तो लाइगेज का काम है टू फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करना, टू फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, इनको क्या करता है, ज्वाइन करता है, ज्वाइन, ठीक है। एक्चुअली लाइगेज का मतलब ये लाइगेचर, लाइगेचर मतलब सूचर, जैसे टांके लगाते हैं ना उसको लाइगेचर बोलते हैं, दो चीजें जुड़ी होती है। तो यहाँ पे टू फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए को जो ज्वाइन करेगा वो लाइगेज है। ये कहाँ काम आएगा आपको प्रोसेस में पता चलेगा, ठीक है। और इसके बाद प्राइमेज है, आरएनए प्राइमेज, ये एंजाइम है आरएनए प्राइमेज, जो एंजाइम है ना ये एक्चुअल में आरएनए बनाता है, ठीक है। अब ये बनाता क्या है, आरएनए प्राइमर, पहली चीज, ठीक है। अब ये कहां बनाता है, ये बनाएगा जो स्ट्रैंड होगा मदर स्ट्रैंड उस पे, जैसे कि यहां पे देखिए
ठीक है। आपको मैंने अभी बताया सेमी कंजर्वेटिव नेचर है, ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, पोलैरिटी देखो इसकी अगर 5 है तो इसकी 3 होगी, इसकी अगर 3 है तो इसकी 5 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे दो स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, ये मदर स्ट्रैंड कहलाएंगे, इनके ऊपर डॉटर स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है ना। सो ये बनेगा कब, जब आकर इसके साथ अटैच होगा डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज वो मेन एंजाइम है जो कि पॉलीमराइजेशन कराता है, इलोंगेशन कराता है, स्ट्रैंड बनवाता है। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज को इससे जुड़ने के लिए एक स्पेसिफिक साइट चाहिए होती है, एक जगह चाहिए होती है, ऐसे नहीं वो कहीं पे भी आकर अटैच हो जाएगा। तो उसको एक साइट चाहिए, वो साइट को स्कोर देगा, उसको देगा आरएनए प्राइमेज, क्या बना के आरएनए प्राइमर। तो वो इस पॉइंट पे, इस स्ट्रैंड पे क्या करेगा, एक पहले शुरुआत करेगा और आरएनए प्राइमर बना देगा, ठीक है। ये आरएनए जो प्राइमर बना है ना, अब इसको साइट मिलेगी किसको, डीएनए पॉलीमरेज को, जो कि मेन एंजाइम है जिसको एलोंगेट करेगा, ठीक है। तो ये याद रखना, आरएनए प्राइमरेज एक्चुअली आरएनए प्राइमर है, प्राइमर आरएनए क्या है, ये आरएनए का मॉलिक्यूल है, आरएनए का मॉलिक्यूल है ये, यानी डीएनए के ऊपर आरएनए बनेगा, पर इस आरएनए को बाद में रिमूव कर दिया जाएगा और उसकी जगह उसको रिप्लेस कर देंगे डीएनए से, बस इसका नाम है साइट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये इसको अटैचिंग साइट प्रोवाइड करेगा, आरएनए मॉलिक्यूल होगा, 50 to 100 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड, नॉट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। राइबोन्यूक्लियोटाइड हैविंग राइबोस शुगर और उसके न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है ना। तो आरएनए बना है राइबोन्यूक्लियोटाइड से, उसका पॉलीमराइजेशन करके डीएनए बना डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से, जिसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर है, उसका पॉलीमराइजेशन करके, ठीक है। तो ये 50 to 100 राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो दिस वाज आरएनए प्राइमेज। अब हम बात करेंगे मेन जो है ना डीएनए पॉलीमरेज, उसकी बात करेंगे, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो मेन एंजाइम है जो कि एलोंगेशन करता है, जो कि पॉलीमराइजेशन करता है, जो कि स्ट्रैंड के साथ डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा और पूरा स्ट्रैंड बनाएगा। सो दैट इज डीएनए, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये है वो एंजाइम बताए। प्रोकैरियोट में ये तीन होते हैं, प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया वगैरह में, इसकी टाइप्स है तीन, थ्री टाइप्स मेन, थ्री टाइप्स है, डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है बेटा। तो इन तीनों का अलग अलग फंक्शन है बेटे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज 1 की, इसका क्या फंक्शन है। डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। अभी आपको हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो, जब हम मैकेनिज्म करेंगे तब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, तब मैं आपको ये सारी बताऊंगा कौन कहां पे कैसे काम कर रहा है। अब आप समझिए डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है। मैंने अभी आपको बताया था कि आरएनए प्राइमेज क्या करता है, एक्चुअली आरएनए प्राइमेज एक प्राइमर बनाता है आरएनए का मॉलिक्यूल, जिससे डीएनए पॉलीमरेज जाकर उससे अटैच हो सके, ठीक है। तो जब पूरी रेप्लिकेशन हो चुकी है, इसका मतलब तब उसमें कहीं ना कहीं आरएनए के मॉलिक्यूल होंगे जो प्राइमर के रूप में, जो प्राइमर के रूप में होंगे, उनको प्राइमर को यानी कि आरएनए मॉलिक्यूल को वहां से रिमूव करना जरूरी होता है ताकि पूरा डीएनए की सीक्वेंस बन सके, ठीक है। तो एक बार रेप्लिकेशन जब होने लगती है स्टार्ट, तो क्या करता है डीएनए पॉलीमरेज, ये रिमूव करता है आरएनए प्राइमर को, इट रिमूव आरएनए प्राइमर्स को, ठीक है, और उसकी जगह फिल कर देगा डीएनए को, जो छोटा सा पार्ट होगा ना 50 to 100 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे आरएनए के प्राइमर में, उनको रिमूव करके उनकी जगह क्या लगा देगा डीएनए, ठीक है। तो इट रिमूव द आरएनए प्राइमर एंड फिल द गैप, फिल द गैप। इसको आप ध्यान से समझिएगा और नेक्स्ट हम बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज 2 की। अभी हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं बेटा।
डीएनए पॉलीमरेज जो टू है, तीनों में डीएनए पॉलीमरेज वन टू और थ्री में सबसे ज्यादा लीस्ट एक्टिव है, एटलीस्ट अभी तक की रिसर्च ये बोलती है इट इज द लीस्ट एक्टिव। ठीक है, इसका जो फंक्शन है जो अभी तक समझ में है दैट इज इन डीएनए रिपेयर। ठीक है बेटा, डीएनए रिपेयर का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप तेज धूप में बाहर निकलते हैं ना, तो जो सनलाइट होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उनकी वजह से जो हमारी स्किन होती है यहाँ पर बहुत तगड़ा डैमेज होता है, डीएनए डैमेज होता है। अगर वो रिपेयर मैकेनिज्म ना हो हमारी सेल्स में तो क्या होगा, कैंसर कोज हो सकता है उससे। तो डीएनए रिपेयर बहुत जरूरी होता है ये भी। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज थ्री की, तो बेटा डीएनए पॉलीमरेज थ्री ही है मेन जो क्या करता है, एलोंगेशन कराता है मेन एंजाइम में। इट इज द मेन एंजाइम दैट कैरी आउट, ठीक है, दैट कैरीज आउट द एलोंगेशन। एलोंगेशन का क्या मतलब है, सिंपल मतलब बेटा ये है, देखो ये स्ट्रैंड है मदर, ये स्ट्रैंड मदर, इसके साथ डॉटर स्ट्रैंड बनेगा और ये एलोंगेशन हो रही है डॉटर स्ट्रैंड की। पहले तो स्ट्रेट बनेगा, बाद में कॉइलिंग होती है। ये जो स्ट्रेट बन रहा है ये एलोंगेशन होती जा रही है, लंबा होता जाएगा, ये बनता जाएगा, दैट एलोंगेशन। ये मेन एंजाइम है जो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड को, कौन सा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड डीएनए, उसको अटैच करता जाएगा ऐसे और ये स्ट्रैंड बनता जाएगा। दिस इज द मेन एंजाइम। ठीक है, सो ये जो था प्रोकैरियोट में था, तो थोड़ा सा मैं आपको यूकैरियोट के बारे में बता दूं। यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज की टाइप्स क्या है और उनका थोड़ा बहुत फंक्शन क्या है।